बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पे नंबर 108 पे। ये है ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर हम फॉलो कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन फॉर 9 एंड 10 ग्रेड पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। वीडियोस को वॉच करें, उनको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाने का, इसको सीखने के लिए हम अभी शुरू करते हैं कि एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे हमने बनाना है। तो ये जो है, सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का। इसमें हम आपको पहले रूल्स बताएंगे, ठीक है। तो रूल्स के लिए सबसे पहले ये है कि आपको इसकी बेसिक ये है, आपको कमांड होनी चाहिए टेंसेस पे। जितने भी टेंसेस हैं वो सारे प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के, वो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। दिस इज़ द वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये होगी तो फिर आप जो है वो एक्टिव वॉइस को आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकेंगे रूल्स को फॉलो करके। तो सबसे पहली चीज़ क्या है जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, कि आपको कमांड होनी चाहिए टेंसेस पे। टेंसेस जो हैं आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हम शुरू करते हैं। इसमें क्या था, जो टेंसेस थे वो किस तरह से थे कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, इनके साथ आता था फर्स्ट फॉर्म, साथ एस या ई एस, जैसे ही ईट्स एन एप्पल वगैरह, ठीक है। और आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन के साथ जो ना आता था हार्डली फर्स्ट फॉर्म, आई ड्रिंक मिल्क। तो ये जो है, ये थे रूल प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के। हम टेंस की बात कर रहे हैं, इनको जो है ना, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के जो जुमले हैं, जो सिंपल हैं, ठीक है, उनको हमने कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस थोड़ा सा आप इस तरह से कीजिए कि एक्टिव वॉइस का मतलब यह है कि उसमें थोड़ा सा जोश होता है, उसमें एक एक्टिविटी शो होती है, एक्शन, एक्टिव एक्शन शो होता है कि मैंने सेब खाया, मैंने किताब पढ़ी, यानी मैंने ये चीज़ की, तो वो एक एक्शन शो कर रहा है कि आपने किया, ठीक है। पैसिव क्या होगा कि थोड़ा सा जैसे इतना ढीला हो जाता है ना, कि मुझसे सेब खाया गया, मुझसे किताब पढ़ी गई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो ना आपने समझ रखनी है जेन में, ये चीज़ एक डिफ्रेंसिएशन कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या फ़र्क होता है। एक्टिव वॉइस में एक्शन शो होता है, ठीक है। पैसिव जो ना वो उसका थोड़ा सा उल्ट कह लें कि एक्टिव क्या है कि मैंने सेब खाया, पैसिव क्या है मुझसे सेब खाया गया, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस को हमने पैसिव वॉइस में हमने कन्वर्ट करना है। तो इसका तरीका क्या है वो हम सीखते हैं कि एक्टिव को हम पैसिव में कैसे करेंगे। इसमें ये होगा कि सबसे पहली चीज़ यह है कि आपने ये याद रखना है कि जो फॉर्म जो है वर्ब की, वर्ब की जो फॉर्म है वो थर्ड यूज होनी है सब के साथ, ठीक है, वो जो कुछ भी है, ठीक है। अब हम इसमें बताते हैं आपको, जैसे ही ईट्स एन एप्पल, ये एक्टिव वॉइस है। ये जो सेंटेंस है ना, ये सिंपल जुमला है, ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। तो इसमें ये सब्जेक्ट आ रहा है, ये वर्ब आ रहा है और ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, यानी एस वी ओ, ये इसकी अरेंजमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस में क्या होगा वो हम इसको जो है ना वो इसका रूल बनाने की कोशिश करते हैं। पैसिव वॉइस में ये होगा, ये शुरू में आ जाएगा एन एप्पल, ठीक है। अब ये चूंकि एक है, सिंगल है, ठीक है, तो
ये प्रेजेंट का टेंस है इसमें, इसलिए ईट्स आ रहा है एंड एप्पल इज, ठीक है, इज़ आएगा इसमें। फिर हमने क्या बताया कि फॉर्म थर्ड यूज होनी है, एंड एप्पल इज ईटन, ठीक है, किसने खाया, ही। तो इसमें जब हम पैसिवाइज करेंगे ना तो हर एक में एंड पे हमने बाय लगाना है, एंड एप्पल इज ईटन बाय ही की जगह आ जाएगा हिम, इसकी जो फॉर्म है ना पैसिव फॉर्म हो जाएगा हिम, फुल स्टॉप, एंड एप्पल इज ईटन बाय हिम। इसमें अब हम ये देखते हैं कि अरेंजमेंट क्या बनेगी, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये अब जो ना ये हेल्पिंग वर्ब है और ये जो है ये वर्ब है, ठीक है, और एंड पे आ गया ये सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट की ये समझ ले जो है ना वो पैसिव फॉर्म है, सब्जेक्ट की पैसिव फॉर्म समझ ले, ठीक है, ठीक है जी। तो ये जो एस वी ओ था जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट था, ये अब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया ओ एच, फिर वर्ब आ गया और फिर जो है ना उसकी पैसिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट ओ एच वी एस, ठीक है। तो ये जो है ना अरेंजमेंट जो है ना वो कुछ इस तरह से हो गई है, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो एक्टिव वॉइस है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना इस सब्जेक्ट के हिसाब से ये आ रहा है जो फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है, ठीक है। पैसिव में जो है ना फॉर्म ऑफ वर्ब तो थर्ड ही रहेगी, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, ठीक है। अगर हम कहें ना कि ही ईट्स एप्पल्स, अब क्या है कि ये एप्पल ज़्यादा हो गया है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हम क्या कहेंगे एप्पल्स, अभी आर आ जाएगा इज नहीं आएगा, ज़्यादा है ना, ठीक है, एप्पल्स आर ईटन बाय हिम, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एप्पल्स जो है ये ऑब्जेक्ट है, आर जो है हेल्पिंग वर्ब है, ईटन जो है ये थर्ड फॉर्म, ये वर्ब है, ठीक है, और बाय हिम जो है ना ये पैसिव फॉर्म ऑफ जो है ना वो सब्जेक्ट है, ठीक है। तो बात यह है कि जब हम बनाएंगे पैसिव वाइज तो फॉर्म ऑफ वर्ब तीसरी ही रहेगी, फर्क क्या आएगा कि चूंकि जो पैसिव वाइज है वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे, यानी ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो इज आएगा, ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होगा तो आर आएगा, ठीक है। ये आपने जो ना वो याद रखना कि ऑब्जेक्ट जो है वो अगर सिंगुलर है तो इज आएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो अगर प्लूरल है तो आर आएगा, ठीक है। तो ये हमने जो ना आपको थोड़ी सी इसकी जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग दे दी है, इससे जो ना रिलेटेड हम थोड़े से सेंटेंसेस दो तीन करते हैं ताकि आपको फर्दर जो ना वो क्लैरिफिकेशन हो जाए, छोटा छोटा जो ना आसान आसान से आपको करके दिखाते हैं। जैसे ही, जैसे शी सिंग्स अ सॉन्ग, ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है, ये पीछे मैं लिख देता हूँ एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग जो पैसिव वॉइस है वो शुरू होता है ऑब्जेक्ट से, अ सॉन्ग सिंगुलर है ये जो ऑब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा इज, अ सॉन्ग इज संग, सिंग की थर्ड फॉर्म संग, और शी जो है ना ये इसका पैसिव क्या आ जाएगा बाय हर, जो पैसिव कंडीशन है बाय हर आ जाएगा, अ सॉन्ग इज संग बाय हर। अगर ये ऐसे हो एक्टिव वॉइस कि शी सिंग्स सॉन्ग्स, तो हम कहेंगे इसका जो पैसिव है वो होगा सॉन्ग्स, अब ज़्यादा है ना तो ये शुरू में आएगा ऑब्जेक्ट, सॉन्ग्स आर ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर आ जाएगा, सॉन्ग आर थर्ड फॉर्म संग बाय हर, ठीक है, सॉन्ग्स आ गया ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, संग जो भी आ गया एक्शन आ गया, और ये जो पैसिव फॉर्म ऑफ जो है ना वो सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम कहें कि दे रीड अ बुक,
जब हम इसको पैसिव वॉइस करेंगे हम कहेंगे अ बुक, ये सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इज, अ बुक इज रेड बाय दे का आ जाएगा देम। और हम ये बोलें कि अगर जो एक्टिव वॉइस है दे रीड बुक्स, अब बुक्स ज़्यादा हो गई है तो अब क्या होगा कि हम बुक्स से स्टार्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, बुक्स आर रेड बाय देम, ठीक है। ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ये फिर आ गया वर्ब आ गया, ठीक है, और ये पैसिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट आ गई। तो इस तरीके से जो है हम हमने देखा कि जब ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज आएगा, ऑब्जेक्ट जो है ना वो प्लूरल होगा तो आर आएगा, फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो थर्ड ही रहेगी, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म है और यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो है ना उसको पैसिव वाइज उसका जो है ना वो इस तरीके से हम बनाते हैं। तो इसकी जो है हम करेंगे एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में।